हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। मैं राहुल आपका बहुत स्वागत करता हूँ अपने राहुल बहादुरी चैनल में। तो अगर आप नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। एप्पल आईफोन की प्राइस मार्केट के अंदर काफी ज्यादा होती है, आप सबको पता ही है। जो बाहर कंट्री है उनके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर वैसे भी एप्पल की प्राइस काफी ज्यादा होती है, और शायद ये काफी बड़ा रीजन है। इसकी वजह से कुछ लोग एप्पल के फोन को ले भी नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। और अब एक बैड न्यूज है, एप्पल की जो आईफोन की प्राइस है वो और इंक्रीज कर दी गई है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, सिर्फ एप्पल के अंदर ही नहीं, जितने भी स्मार्टफोन कंपनी है, चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो, वीवो, हुआवे, कोई से भी फोन हो, उन सबके प्राइस इंडियन गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि जो पहले जीएसटी लगा करते थे 12% लगती थी, लेकिन अब जो जीएसटी है वो 18% लग रही है। तो लगभग लगभग सभी फोन में आपको प्राइस बढ़े हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ सिर्फ आईफोन के लिए बना रहा हूँ। मैं आपको उस वीडियो बताऊंगा आईफोन के ऊपर कितने प्राइस इंक्रीज करे गए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे इंडिया के अंदर आईफोन बनते हैं, जो कि बेंगलुरु के अंदर काफी बड़ा प्लांट है एप्पल का, जिसके अंदर एप्पल के आईफोन बनते हैं, तो जो हमारे इंडिया के अंदर बनते हैं उन फोन में प्राइस थोड़े कम बढ़े हैं। लेकिन जो फोन बाहर देश से बन के आते हैं हमारे इंडिया के अंदर, जैसे कि 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स वगैरह, आईफोन 11, इनके प्राइस कुछ ज्यादा बढ़े। जैसे आप सबको पता ही है, इंडिया के अंदर आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 8, यहाँ तक कि आईफोन XR, ये सभी फोन बनते हैं। तो इनकी प्राइस कुछ 2000 के आसपास बढ़ी, 2000 1500, 2000 1500 इनकी प्राइस इसके आसपास बढ़ी है। बाकी XS है, iPhone XS है, iPhone 11 है, 11 Pro, 11 Pro Max है, इनकी प्राइस के अंदर आया 5 से 7 हजार तक का फर्क। तो आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, इस लिस्ट के आप स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से देख लो कौन कौन सा फोन के प्राइस बढ़ाए गए हैं। तो अगर कोई न्यू फोन लेने जा रहा था तो उसके लिए तो बैड न्यूज है, लेकिन अगर कोई अपना ओल्ड फोन सेल करना चाह रहा था तो उसके लिए काफी अच्छी न्यूज है। क्योंकि फोन की प्राइस बढ़े तो थोड़ा बहुत उसकी डिमांड भी बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके फोन की प्राइस भी बढ़े है। अब जैसे कोई किसी ने iPhone XS Max लिया हुआ था, तो iPhone XS Max जिस टाइम पे आया था 1,09,000 के आसपास आया था, लेकिन अब iPhone XS Max की प्राइस काफी से गिर चुकी थी, काफी डाउन प्राइस आ रही थी। अब मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पर देख रहा था तो iPhone XS Max 70-75 हजार रुपए के आसपास मिल रहा था, लेकिन अब iPhone XS Max की प्राइस इंक्रीज कर दी गई। तो मतलब 5 से 7 हजार iPhone XS Max भी बढ़ गए, और जो 11 11 Pro Max वगैरह की सीरीज है इन भी बढ़े हैं। तो जो फोन हमारे इंडिया के अंदर बनते हैं उनके जो प्राइस है वो सरकार ने थोड़े कम इंक्रीज करे है, और जो फोन भारत से हमारे इंडिया के अंदर बन के आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS Max, इनकी प्राइस सरकार ने कुछ ज्यादा बढ़ाई है। तो पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 18% जीएसटी लगेगा, तो सभी फोन के प्राइस आपको इंक्रीज होकर मिलेगा। चाहे फिर iPhone 6s हो, iPhone 7, iPhone 8 हो, iPhone X हो, iPhone XS Max हो, कोई भी फोन ले लो, सभी फोन का प्राइस इंक्रीज होकर मिलने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इनका सर ये नहीं सिर्फ ऑफलाइन स्टोर पे होगा, इनका सर ऑनलाइन स्टोर पे भी होगा, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब पे आपको प्राइस इंक्रीज होकर मिलेगा। लॉकडाउन खुलने दो, उसके बाद अगर आप एक एप्पल का नया फोन लेने का प्लान बना रहे थे तो सेल का वेट करो, सेल के अंदर काफी ऑफर साथ मिल जाएगा आपको आईफोन अच्छे प्राइस में। क्योंकि यार जो आईफोन आपको 25 में मिल रहा हो और वो आईफोन आपको 28 में मिले तो बात थोड़ी हजम होती नहीं, लेने का मन करता नहीं है। थोड़ा वेट करो, सेल वगैरह ऑफर वगैरह आते रहते हैं, इनमें काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।